signature move, the ankle lock. And block is locked. Hello friends, welcome to our channel. रेसलिंग टॉक। तो गाइज, एक रेसलर अपने फिनिशर से मैच खत्म करने के लिए जाने जाता है, लेकिन WWE में कुछ ऐसे मौके भी आए हैं जब रेसलर अपने फिनिशर से मैच जीतने के बजाय मैच हार गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें उनके अपोनेंट सुपरस्टार ने उन्हीं के मूव से हराया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में मैंने उन सुपरस्टार को इंक्लूड नहीं किया है जो सेम फिनिशर यूज करते हैं, जैसे अंडरटेकर और केन। दोनों सुपरस्टार टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर को अपने फिनिशर के तौर पर यूज करते हैं और दोनों ने कई बार एक दूसरे को टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर से हराया है। और बिग शो और केन, दोनों सुपरस्टार चोक स्लैम को अपने फिनिशर के तौर पर यूज करते हैं। और अगर हम बात करें स्पीयर की, तो स्पीयर तो कई सुपरस्टार अपने फिनिशर के तौर पर यूज करते हैं, जैसे एज, राइनो, बॉबी लैशली, रोमन रेंस। इसलिए मैंने इन्हें इंक्लूड नहीं किया है। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलेगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, रैंडी ऑर्टन। 2020 के वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज में से एक है ड्रू मैकइंटायर और रैंडी ऑर्टन की राइवलरी। इनके बीच हमें कई मैचेस देखने को मिले थे। उन्हीं में से एक हमें क्लैश ऑफ चैंपियन पेपरव्यू में देखने को मिला था, जहां दोनों सुपरस्टार एक दूसरे का एक एम्बुलेंस मैच में सामना कर रहे थे WWE चैंपियनशिप के लिए। और उस राइवलरी के दौरान रैंडी ऑर्टन ने कई लेजेंड सुपरस्टार पर अटैक किया था, लेकिन उस मैच के दौरान लेजेंड्स मिलकर लेजेंड किलर पर ही अटैक करते हैं। उस मैच के दौरान शॉन माइकल, क्रिश्चियन, बिग शो रैंडी ऑर्टन पर अटैक करते हैं। लेकिन ये सब इतने में खत्म नहीं होता। इसके बाद रैंडी ऑर्टन को और भी एम्बैरेसिंग मोमेंट का सामना करना पड़ता है, जब ड्रू मैकइंटायर खुद रैंडी ऑर्टन के डेविस्टेटिंग फिनिशर पंट किक को उन्हीं पर लगा देते हैं और रैंडी ऑर्टन को एम्बुलेंस में डालकर वो मैच जीत जाते हैं ड्रू मैकइंटायर। नंबर टू, कर्ट एंगल। WWE की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज में से एक मानी जाती है कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी। इनके बीच हमें कई शानदार मैचेस देखने को मिले हैं। उन्हीं में से एक हमें 2003 के स्मैकडाउन के एक एपिसोड में देखने को मिला था, जहां कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर एक आयरन मैन मैच में एक दूसरे का सामना कर रहे थे, जहां उस मैच को ब्रॉक लेसनर ने 5-4 के फाइनल स्कोर से जीता था। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि उसमें से एक फॉल लेसनर को कर्ट एंगल को टैप आउट करवा के मिला था, और वो भी उन्हीं के फिनिशर एंकल लॉक से। नंबर थ्री, ट्रिस स्ट्रेटस। ट्रिस स्ट्रेटस और मिकी जेम्स रूथलेस एग्रेशन की टू ऑफ द बेस्ट वीमेन सुपरस्टार मानी जाती है, और रेसलमेनिया 22 में हमें इनके बीच मैच देखने को मिला था, जहां उस मैच में ट्रिस स्ट्रेटस अपनी वीमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी। और उस मैच की खास बात यह कि उस मैच में मिकी जेम्स ट्रिस स्ट्रेटस को उन्हीं के फिनिशिंग मूव चिक किक से हराती है और नई वीमेन्स चैंपियन बन जाती है, और ट्रिस स्ट्रेटस के 447 दिन के टाइटल रेन को खत्म करती है। नंबर फोर, बॉब बैकलैंड। रेसलमेनिया 11 में हमें पहला आई क्विट मैच देखने को मिला था ब्रेट हार्ट और बॉब बैकलैंड के बीच, जहां उस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी राउडी रोडी पाइपर होते हैं। अगर बात करें मैच के रिजल्ट की, तो WWE के सेकंड लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE चैंपियन बॉब बैकलैंड के लिए वो मैच कुछ खास नहीं गया, क्योंकि उस मैच में उन्हें अपने ही फिनिशर से हार का सामना करना पड़ा। मैच के आखिरी में बॉब बैकलैंड ब्रेट हार्ट को अपने फिनिशिंग सबमिशन मूव क्रॉस फेस चिकन विंग में डालने जाते हैं, लेकिन ब्रेट हार्ट उसका रिवर्सल करते हैं और बॉब बैकलैंड को ही उसी मूव में डाल देते हैं और वो मैच जीत जाते हैं। नंबर फाइव, अंडरटेकर। अंडरटेकर WWE की हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड है। अंडरटेकर को WWE में हराने किसी भी सुपरस्टार के लिए काफी बड़ी बात है, और उन्हीं के मूव टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर से हराना तो और भी बड़ी बात है। लेकिन शॉन माइकल ने ये कारनामा कर रखा है। 1997 के बैड ब्लड पेपरव्यू में अंडरटेकर हेल इन अ सेल मैच में शॉन माइकल का सामना कर रहे थे, जहां मैच के दौरान अंडरटेकर के डीमन ब्रदर केन अपना WWE डेब्यू करते हैं और वो हेल इन अ सेल का स्टील केज डोर तोड़कर रिंग में आ जाते हैं और अंडरटेकर को टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर लगाकर वहां से चले भी जाते हैं, जिसका फायदा शॉन माइकल उठाते हैं और अंडरटेकर को पिन कर देते हैं, जिसकी वजह से शॉन माइकल वो मैच जीत जाते हैं। तो गाइज, ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि WWE से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।